मध्य रात्रि थाना कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव दोताना में असामाजिक युवकों ने बरसों पुरानी मजार की दीवार सहित मजार के अंदर लगे दरवाजे को तोड़कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। घटना की सूचना मिलते ही मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के लोग भी घटना स्थल पर पहुंच गए और मजार के दीवार को अंदर हुई तोड़फोड़ को देख लोगों में हड़कंप मच गया। इसी बीच मौके पर मौजूद लोग घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर कोतवाली छाता की पुलिस एवं तहसील के कर्मचारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं घटना स्थल पर मौजूद समाज सेवी जाहिद अली लंबरदार एवं अन्य लोगों ने पुलिस को बताया कि असामाजिक लोगों ने मजार की दीवार को तोड़ने के साथ साथ मजार के अंदर रखी कुरान के साथ हुई छेड़छाड़ भी की है, जिनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। घटना की जानकारी देते हुए दोताना गांव के समाजसेवी जाहिद अली लंबरदार एवं अन्य व्यक्ति ने कहा कि यह मजार करीब 600 वर्ष पुरानी बनी हुई है, जिसके प्रति लोगों को काफी आस्था है। प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का भरोसा दिया है। वहीं छाता कोतवाली इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मजार के गेट को बरामद कर लिया गया है। वहीं असामाजिक लोगों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जाहिद अली नंबरदार के रहने वाले, तो बताएं क्या घटना हुई है। घटना अभी लोगों ने बताया कि ये कम से कम 600-700 साल पुराना मजार है। लोग इसकी हिंदू और मुसलमान सभी इसकी पूजा करते हैं, लेकिन रात को असामाजिक तत्वों ने इसको क्षति पहुंचाई है। इसकी बॉडी तोड़ी है, इसके पत्थर तोड़े हैं, बोर्ड वगैरह बिजली के लगाए थे वो सब तोड़े हैं, इसको क्षति पहुँचाई है, जो कि हिंदू और मुसलमान की आस्था को ठेस पहुँचाई और कुरान को भी इन्होंने फैलाया है। कैसे तत्व कौन थे, क्या था, इसके बारे में किसी ने देखा नहीं कुछ। अब यही है कि इसकी सरकार से ही डिमांड है हमारी कि समाज तत्वों का पता लगा कर के इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी आगे कोई हरकत ना करें। ये कितने बजे तोड़फोड़ की गई है? ये रात में की है, नहीं मालूम किस वक्त की है, यहाँ कोई रहता थोड़ी है। तो क्या मानते हो, असामाजिक तथ्य हो सकते हैं, क्या माने किसी के बारे में, किस पर यानी कि आरोप लगाए, सामने आ जाएगा तो उसको यही है कि उसको रोका जाए, वरना हिंदू और मुसलमान टूट करके उसको मार देंगे, पकड़ लेंगे, लिहाजा उसका पता लगा करके उसको सजा यानी कानून अपने हाथ में लेते हुए सरकार की जिम्मेदारी डालते हैं। हम तो अधिकारियों को भी सूचना दिए, अभी तो नहीं दिए, अब देंगे, आपको बुला करके आपके माध्यम से जाना चाह रहे हैं और वैसे भी देंगे, अभी देंगे, अभी पता लगा है तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? कल्लू। कल्लू, क्या घटना हुई है यहाँ? ये रात में हुई सर। क्या घटना हुई है? ये बाउंड्री तोड़ दी है, बोर्ड फोड़ तोड़ दिए है, बिजली के तमाम नुकसान कर दिया, गेट तोड़ दिया बाहर का, मीनार तोड़ दिए। तो यहाँ कौन रहता है? रात में कोई नहीं रहता है। रात में कितने बजे के लगभग मानो? मालूम है सर। तो क्या संदेश जताया जा रहा है कि किस की हरकत हो सकती है कुछ? सर बिगड़ देगा कैसे, नाम ले आपकी जानकारी नहीं। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुरानों को भी यहाँ से फेंका गया, ऐसा कुछ मामला है? हाँ, सिपाही गिरा दी सर कुरान। अच्छा, तो माना जाए कि कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ? नुकसान सर घना ही हो गए, घना ही हो गया। तो आप यहाँ क्या हो? ये सफाई वगैरह कर रहे हैं सर। सफाई वगैरह? तो रात में कोई रहता है? कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता।